कम समय में कम मेहनत करके और कम तेल में यदि आपको एक हेल्दी और चटपटा नाश्ता बनाकर खाना हो तो ये रेसिपी आपको बहुत ही काम आ सकती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर और मेथी से बने हुए अप्पे। तो इसको बनाने के लिए पहले हमें चाहिए 1 कप मटर। तो मैंने ताज़े मटर का इस्तेमाल किया हुआ है और इस मटर को पहले हमें दरदरा पीसना है। तो मैं इस मटर को इस प्रकार के एक चॉपर में डाल के इसे दरदरा चॉप कर रहा हूँ। यदि आपके पास ऐसा चॉपर अवेलेबल ना हो तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपको इसकी एकदम ही पेस्ट नहीं बनानी है, इसको आपको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो मटर है ये अब दरदरा हो चुके हैं, तो अभी फ़िलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे। अब आपको लेनी है 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना। तो ये मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। आपके घर में जो भी सूजी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सूजी को हम किसी भी एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। अगर आप इस अप्पे को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो आप इसमें थोड़े से राइस फ्लावर यानी कि चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। तो ये मैंने तकरीबन 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर मसालों में हमें इसमें डालना है 1/4 छोटी चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक, 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर। फिर इसमें एक चटपटा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला। यदि आपको ये जानना हो कि घर पर चाट मसाला कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लेकर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब इसमें एक तीखापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपको घर पर चिली फ्लेक्स बनानी हो तो थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और आपकी जो चिली फ्लेक्स है वो बनकर रेडी हो जाएगी। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट यानी कि जिंजर पेस्ट। और फिर जो मटर को हमने दरदरा पीस कर रखा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये मैंने 1 कप मेथी का इस्तेमाल किया है और इस मेथी को मैंने पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। और फिर इसे वॉश करने के बाद मैंने इसको इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच कर्ड यानी कि दही। अब बस इन सारी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स करना है। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये खाने में अंदर से ड्राई ना लगे। अब इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसका एक बैटर बनाकर रेडी करना है। और ये जो बैटर है ये थोड़ा सा गाढ़ा रहना चाहिए, तो उसी के अनुसार आप इसमें पानी का इस्तेमाल करें। आज तो हम ये मेथी और मटर के अप्पे बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन सी रेसिपीज़ जाननी है यह आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी कि इसका जो गाढ़ापन है ये बिल्कुल इस प्रकार का होना चाहिए। तो अब इस बैटर को हमें ढक कर इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। और जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनाएंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए पहले आप किसी भी एक बोल में थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और इसके अंदर हमें ऐड करनी है लाल मिर्च। तो मैंने इस पर तकरीबन 4 से 5 जो तीखी वाली लाल मिर्च होती है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। और इसमें कलर लाने के लिए मैंने ये 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अब इस लाल मिर्च को हमें इस गर्म पानी में तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो कर रखना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। अब किसी भी एक पैन में आपको लेना है 1 से 2 बड़ी चम्मच तेल, और जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी साइज़ का प्याज जिसको मैंने इस तरह से रफली चॉप करके रखा हुआ था। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप गार्लिक क्लव्स यानी कि लहसुन की कलियाँ। तो ये तकरीबन मैंने 25 से 30 लहसुन की कलियों का इस्तेमाल किया हुआ है। और अब इस प्याज और लहसुन को हमें स्लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन यानी कि सुनहरा नहीं हो जाता। आपको इसको हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, वरना ये कहीं से जल जाएगा और फिर आपकी जो चटनी है उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए या तो उसको मीडियम फ्लेम पर या फिर स्लो फ्लेम पर ही भूने, और बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अब ये जो प्याज और लहसुन है ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हमें पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। जब ये प्याज और लहसुन पूरी तरीके से ठंडे हो जाए उसी के बाद हम इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो मिर्च को हमने भिगो कर रखा हुआ था वो भी अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो इस मिर्च को भी हम उसी मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने इस पर तकरीबन 1/4 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर हम इसमें बिल्कुल थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी एक बहुत ही बढ़िया सी पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। तो ये मैंने उसी पानी का इस्तेमाल किया हुआ है जिस पानी के अंदर हमने मिर्च को भिगो कर रखा हुआ था। अब बस इसको अच्छे से ब्लेंड करके हमें इसकी एक गाढ़ी पेस्ट बनाकर रेडी करनी है।
चलिए ये पेस्ट बनकर रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर मैं एक और चीज़ डालना भूल गया था और वो है इमली। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ की इमली का इस्तेमाल किया हुआ है और बस इसको हम फिर वापस एक बार ब्लेंड करेंगे। लीजिए हमारी ये जो पेस्ट है बनकर रेडी हो चुकी है, तो अभी फ़िलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे। अब उसी पैन में आपको लेना है 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब गरम हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड यानी कि राय, और इस राय को हम अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे। राय जब स्प्लैटर होना शुरू हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच उड़द दाल, और इस उड़द दाल को हमें स्लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि हल्की सी गोल्डन नहीं हो जाती। चलिए ये जो उड़द दाल है हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो चुकी है, तब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी हींग यानी कि एसाफोटिडा। ध्यान रहे कि इस समय पर आपकी जो गैस की फ्लेम है वो स्लो पर रहनी चाहिए ताकि ये जो तड़का है जल ना जाए। अब जो हमने प्याज और लहसुन की पेस्ट बनाई हुई थी वो हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर इस पेस्ट को हमें स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। चलिए अब ये जो चटनी है ये बनकर रेडी हो चुकी है, तो अभी फ़िलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे। और अब हमारे बैटर को भी रेस्ट किया तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो सूजी है इससे काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हमें इसमें वापस थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए अपना ये जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है, तब हम क्या करेंगे कि इस बैटर में से थोड़ा सा हिस्सा हम एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने इस पूरे के पूरे बैटर में एक साथ इनो डाल दिया तो जो इनो का असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और फिर आपके जो अप्पे हैं वो उतने फूलेंगे भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे। अब आपको चाहिए इस प्रकार का एक अप्पम पैन, और इस अप्पम पैन को हम पहले तेल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। इसको हम तेल से इसलिए ग्रीस कर रहे हैं ताकि जब ये अप्पे बनकर रेडी हो जाए तो वो इसमें से काफ़ी आसानी से बाहर निकल पाए। अब सबसे आखिर में हमें इस बैटर के अंदर 1/4 छोटी चम्मच इनो का इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये जानना हो कि घर पर इनो कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इस इनो के ऊपर हम हल्का सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो इनो ये फटाफट से एक्टिवेट हो जाए, और फिर हम इसको तुरंत मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देरी नहीं करनी है वरना जो इनो का असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर आपके जो अप्पे हैं वो ठीक से फूलेंगे नहीं। अब जिस अप्पम पैन को हमने तेल से ग्रीस करके रखा हुआ था उसके अंदर हम इस बैटर को फिल करेंगे, और फिर इसको ढक कर हम इसको स्लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। ध्यान रहे कि आपको उसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है वरना ये नीचे से जल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। चलिए अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुकी है, तब एक चाकू की सहायता से हम इस अप्पे को इस पैन से अलग करेंगे, और फिर इसको पलट कर हमें इसको वापस स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सेकना है। चलिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी है, और ये हमारे बहुत ही टेस्टी मेथी और मटर से बनाए गए अप्पे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको ये नाश्ते की रेसिपी, और आपको और कौन सी रेसिपीज़ जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा।